आज हम आपको अलग ट्रिक से बुलियन फ्लावर बनाना सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने धागा निकाला है। इसके बाद आप थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से लेंगे और इसके बाद इसके पास में आप ये पेंसिल रख देंगे, आपके पास जो भी पेन वगैरह है वो रख देंगे। और ये देखिए, आप इस इन दोनों पे एक साथ करते हुए लपेटना शुरू करेंगे और इसको नीचे सरकाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से। आपको बहुत अधिक लपेटना है, भर भर के, थोड़ा सा लपेट के बनाने की कोशिश ना करें, नहीं बन पाएगा वो। आपको बहुत पास पास में और बहुत ज़्यादा लपेटना पड़ेगा, तब जाके ये वाला फूल बनता है। आप देख सकते हैं कि हम लपेटते जा रहे हैं और हमें लपेटते जाना है अभी। तो आप देख सकते हैं कि देखिए हमने ये कितना लपेट लिया है, बहुत अधिक लपेट लिया है। अब आप इस पेंसिल को नीचे से निकालेंगे, खींच कर नीचे से ऊपर से, जहाँ से आपको ज़्यादा सहूलियत लग रही हो, जैसे नीचे से निकलने में दिक्कत आई तो हम ऊपर से ट्राई कर रहे हैं। ऊपर से आसानी से निकल रहा है, ये हमने निकाल दी है। इसके बाद हम देखिए ये इसको खींचना शुरू करेंगे, इसको हम पकड़ के रखेंगे हल्के हाथ से, हमने पकड़ रखा है इसे। इसके बाद आप इसको इस तरह से गोल राउंड में इस तरह से कर देंगे आप इसको। ये बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ के रखें आप। ये वाला जो हिस्सा है देखिए, ये लटक रहा है बीच में जो, इसको कम करने के लिए आप इसको खींचेंगे। ध्यान रखिए, ये बीच में लटकते हिस्से को कम करने के लिए आपको इसको खींचना है, इस लंबे धागे को। ये हम खींच रहे हैं, इसके खींचने के साथ देखिए ये कम होता जा रहा है। आप जितना ऐसे कम कर सकें उतना पहले कर लें। ये देखिए, जितना हम कम कर सकते थे उतना हमने कर लिया, अब इससे ज़्यादा ये खींच नहीं रहा। तो हम अब देखिए, जहाँ ये स्टार्ट किया था हमने, बिल्कुल यहाँ नहीं, थोड़ा सा इससे आगे, ताकि जुड़े जुड़े फील हो। देखिए ये वाला जो इसका ये है, इस तरह वाले का हिस्सा है, ये देखिए इन दोनों में से, इसके नीचे लाके थोड़ा सा आप इसे डालने की कोशिश कीजिए, ताकि ये जुड़े हुए फील हो, बीच में गैप सा ना दिखे। ये देखिए, फिर इनको थोड़ा सा आप इधर से ऐसा कर लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर फूल बन गया है हमारा। इसके बाद आप सेंटर से बाहर आएंगे, ये देखिए आप सेंटर से आएंगे बाहर, और यहाँ आके आप इसमें ये देखिए मोती डालेंगे और वापस नीचे उतर जाएंगे, मोती अपने आप बीच में आ जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे अलग अलग कलर के फ्लावर बना लीजिए, बहुत सुंदर लगते हैं ये बच्चों के फ्रॉक पे, जिसमें ये बहुत ही अच्छे लगते हैं।